हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम इनविटेशन का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, यानी याद करिए पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट टू में हम लेटर टाइप का इनविटेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमने कार्ड फॉर्मेट पढ़ लिया है, अब लेटर फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा गाइस, सेंडर से एड्रेस, यानी सेंड करने वाले का एड्रेस। प्लीज हमेशा ये मत करिए सेंडर से एड्रेस है तो आप अपना समझे, नहीं। क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है एड्रेस तो आपको वो लिखना है, एंड प्रिफरेबल है उसके बाद भी अगर नहीं भी दे रखा है तो आप किसी थर्ड पर्सन का लिखिए, अपना मत लिखिए। देन एक लाइन लीव करिए, देन डेट लिखनी है आपको। देन इसके बाद क्या करना है, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है, जो लेटर्स होते हैं उनसे यहाँ पे आपको रिसीवर्स का नेम भी लिखना है और उनका एड्रेस भी लिखना है। ओके गाइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक लाइन छोड़नी है, देन सब्जेक्ट लिखना है। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। चलिए, सैल्यूटेशन मीन्स रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। ओके, बॉडी, बॉडी में आपको यहाँ पे क्या लिखना है गाइस, मेनली वही चीज थी जो कार्ड फॉर्मेट में थी, इवेंट ओकेजन के बारे में बताना है, डेट टाइम वैल्यू। ये अगर कंप्लीट हो गया, आपने इन पांचों पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया तो आपके बॉडी में मार्क्स नहीं कटेंगे, फिर आप थोड़ी सी एक दो लाइन बॉडी को इंक्रीज करने के लिए लिख सकते हैं, दैट्स इट। बट ये मेन है, ये आपको जरूर मेंशन करना है कि टाइम क्या है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, इवेंट क्या है, ओकेजन क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। जहां बॉडी खत्म होगी गाइस, उसके बाद कोई लाइन लीव नहीं करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, देन सेंडर्स नेम। आप चाहे तो सेंडर्स नेम कैपिटल में लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्या लिखना है आपको, डेजिग्नेशन यानी पोस्ट जिसमें भी ये लेटर और ये इनविटेशन लिखा है लेटर टाइप का। क्लियर है गाइस? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। चलिए कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने क्या करा है, लेटर फॉर्मेट का इनविटेशन यहाँ बनाया है। चलिए, स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल गुड़गांव, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, सेंडर्स एड्रेस आ गया। क्लियर है गाइस? उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, देन डेट लिखनी है, 25th September 20XX। यहाँ पे XX इसलिए लिखा है गाइस क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रिफर करा है कि कोई वो डेट ईयर नहीं दे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप पर्टिकुलर ईयर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। देन एक लाइन लीव करनी है, देन श्री बी एस बेदी 2/27 चोर बाग न्यू दिल्ली। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है गाइस, याद करिए रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर सैल्यूटेशन आया है, सब्जेक्ट आया है। प्लीज गाइस इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझिए, सीबीएसई का न्यू रूल है, बट मैं अभी कंफर्म कर लेता हूं कि वो क्या है। एक्चुअली इन्होंने अब कराया सैल्यूटेशन को ऊपर दे दिया है एंड सब्जेक्ट को नीचे, बट आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है मैं आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा और उसमें ये चीज बता दूंगा। तब तक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट को पहले लिखिए और सैल्यूटेशन को बाद में लिखिए। क्लियर है? तो सब्जेक्ट है इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप, यानी क्रिकेट चैंपियनशिप जो हमारे स्कूल में होने वाली है उसका इनॉग्रेशन। बॉडी देखते हैं गाइस, आवर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल T20 चैंपियनशिप फ्रॉम 2 October to 8 October 20XX। ऑल द स्कूल्स ऑफ द एरियाज आर लाइकली टू पार्टिसिपेट, योर प्रेजेंस इन आवर मिडस्ट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इंस्पायर अस। You are requested to inaugurate the championship on 2 October 20XX at 10 AM in our school grounds. Kindly confirm your availability by 30 September. तो guys, event क्या है, occasion क्या है, date, time and venue क्या है, वो complete है इसमें। मैंने आपको यही बोला था body में ये चीजें होना जरूरी है, वो ही mixture करके यहाँ body बनाई गई है। उसके बाद देखते हैं, yours faithfully सचिन बंसल हेड बॉय, यानी योर्स फेथफुली आ गया, नेम आ गया सेंटर का एंड उनकी पोस्ट और डेजिग्नेशन आ गई। क्लियर है गाइस? ये था हमारा क्या, लेटर फॉर्मेट का इनविटेशन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कंप्लीट। ओके, चलिए देखते हैं इसके बाद कुछ है क्या। ओके, यहां हमारा वीडियो खत्म होता है गाइस। ये मेरी ईमेल आईडी है, मेरे फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझसे इनसे परचेज कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।